शिमला के कोटखाई के महास स्कूल की 10वीं की छात्रा 4 जुलाई 2017 को स्कूल से आने के बाद अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 6 जुलाई को उसका शव दांदी के जंगल में विषम अवस्था में मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की बात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपी नीलू चरानी को दोषी करार दिया गया है। शिमला की जिला कोर्ट ने बुधवार दोपहर बाद फैसला सुनाया। हालांकि अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। 11 मई को सजा पर बहस के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल 2018 को एक नीलू नामक चिरानी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अब नीलू को दोषी करार दिया गया है। पहला पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि यहाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ स्कूल या स्कूल के आसपास जो है जहाँ जो जो है वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास जो है पाया गया है उसकी प्रेजेंस। दूसरी जो है उसके बाद पोस्टमार्टम लड़की का हुआ था, उसमें भी ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो है मुलजिम के खिलाफ है। तीसरी जो है एक सॉयल सॉयल रिपोर्ट आई थी कि सॉयल में ये होता था, हम डिस्प्यूट कर रहे थे कि डेड बॉडी यहाँ से उठाई गई है या और जगह से उठा के रखी गई है, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये सॉयल रिपोर्ट से भी ये लगता है कि यहीं डेड बॉडी थी और यहीं पे रखी गई थी पहले से ही, तो सॉयल वाली रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ है। फिर डीएनए रिपोर्ट, जो डीएनए रिपोर्ट इन्होंने दी है कि वो भी मुलजिम के खिलाफ है। एक जो है डेंटल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, 22 मार्क्स की रिपोर्ट, जो 22 मार्क्स ये बोलते थे सीबीआई वाले कि भी ये बॉडी पे है, तो वो भी ये बोलते हैं कोर्ट की नहीं, ये भी 22 मार्क्स भी जो है मुलजिम के साबित हो रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, ये जो 5-7 पॉइंट्स है जो मेन थे, ये जो है मुलजिम के खिलाफ जाते हैं, इसी बेस पे इन्होंने इसको से सजा की है। दूसरे 2 पॉइंट जो एक और थी कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, कीपिंग इन व्यू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, ये माना जाना चाहिए कि इसने ये किया, तो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का ऐसा कोई नहीं साबित हो रहा कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री और इसके बेस पे इसको सजा होनी चाहिए। दूसरा एक साइकोलॉजिकली रिपोर्ट भी थी, उसने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की थी, तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसे नहीं मानी कि कोई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से ऐसा नहीं हो रहा साबित कि ये मुलजिम था। तो ये पॉइंट्स थे इसके। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।